नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर कबड्डी के मैदान से। जी हां, विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप के एक अहम मुकाबले में आज रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने बांग्लादेश टीम को हरा दिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने अंतिम क्षण तक चले इस मुकाबले को बेहतरीन अंदाज में समाप्त किया। आज चैन पुलनी फिर से रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए हीरो बनके उभरे। आपको बता दें कि अंतिम क्षणों में इस मैच ने काफी करवटें ली। 30-26 के अंतर से आगे चल रही बांग्लादेश टीम को उस समय झटका लगा जब चैन पुलनी ने 3 पॉइंट का सुपर रेड मार के बांग्लादेश के मुंह से जीत छीन ली। चैन पुलनी के इस सुपर रेड के बाद बांग्लादेश के टाइगर चित हो गए और उसके बाद अंतिम क्षणों में 34-32 के अंतर से बांग्लादेश टीम को हार झेलनी पड़ी। आप इस मैच की अहमियत का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बांग्लादेश टीम यह मैच जीतती तो ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता, क्योंकि इन तीन में से केवल दो को ही सेमीफाइनल की सीट मिल पाती। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बांग्लादेश अगर आज रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा देती तो उसका मनोबल काफी ऊंचा हो जाता, क्योंकि वो आज उस टीम को हराती जिसने विश्व कप चैंपियन भारतीय टीम को शुरुआती पहले मैच में हराया था। हालांकि आज रिपब्लिक ऑफ कोरिया की अविश्वसनीय मैच जीतने के कारण भारतीय टीम को काफी फायदा हुआ और अब ग्रुप ए में स्थिति साफ हो चुकी है कि भारतीय टीम और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले मैचों में क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल में मैच जीत के फाइनल में पहुंच पाती है या उसका सफर सेमीफाइनल तक ही रुक जाता है।